स्टूडेंट्स, हमारे स्कूल का डांस कंपटीशन 2 दिन बाद है। कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। तुम लोग अगर चाहो तो बाहर के लड़के लड़कियों से भी सीख सकते हो या उनको अपने ग्रुप में रख सकते हो। तो कौन कौन इस डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है? सर, फर्स्ट तो मुझे ही आना है, फिर दूसरों को क्यों तकलीफ देना। आप तो जानते ही है ना सर, मैं कितना अच्छा डांस। जिंटू, ये बंटी कभी नहीं सुधरेगा, जरा इसका डांस सबको दिखा दो। ये क्या कर रहे हो? ये डांस करने की जगह नहीं है, स्टॉप इट। बस करो बंटी, आई से स्टॉप इट, कोई रोको इसे। इसे क्या हो गया? ऐसा लगता है जैसे उस पे किसी ने जादू कर दिया हो। जादू? कहीं जिंटू तो यहाँ हो रहा, मुझे मालूम था। जिंटू बस करो, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे कदम रुके नहीं रहे थे, सॉरी सर। कर सर, इसे मेरे ऑफिस में लेकर आओ। सर, वैसे देखा जाए तो ऐसा अच्छा डांस हमने कभी नहीं देखा। इसके टैलेंट को देख के इसे एक बार माफ कर दीजिए सर। बात तो सही है, इतना अच्छा डांस मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। बंटी, इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक महान कलाकार छुपा है। जाओ प्रैक्टिस करो और इस बार कंपटीशन जीत लो मेरे बच्चे। हमें ये डांस कंपटीशन हर हाल में जीतना है, इसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। नहीं चुलबुल, तुम कैसे हिस्सा ले सकते हो? मैं डांस कर सकता हूँ, ये देखो। वीर, तुम्हारी टीम जरूर फर्स्ट आएगी। शाबाश चुलबुल, और डांस करो। चुलबुल, तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, प्रिंसिपल सर ने कहा था कि हम बाहर से भी किसी दोस्त को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। चुलबुल हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ डांस करेगा। थैंक यू वीर। कम ऑन, लेट्स प्रैक्टिस। वो देखो, जिंटू भी उनके साथ डांस कर रहा है। ये टीम तो जरूर हारेगी। अभी इसे दिखाता हूँ मैं कैसा डांस कर सकता हूँ। अगर जिंटू ने ऐसे डांस किया तो वीर का ग्रुप जीत जाएगा। हमें कुछ करना ही होगा। जिंटू, तुम जादू का इस्तेमाल कर रहे हो, बिना जादू के प्रैक्टिस करो प्लीज। हम कंपटीशन में जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हमें तो पता है ना, ये चीटिंग होगी। किसी भी मुकाबले में चीटिंग करना सही नहीं है। तुम्हें तो मेरे जादू से हमेशा प्रॉब्लम होती है। वीर को मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं। चलो चलकर कहीं कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। हेलो जिंटू। हाय बंटी। ए, लो चॉकलेट खाओगे? हाँ हाँ, मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। मैं तुम्हें रोज रोज ऐसी ही चॉकलेट खिला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। क्या शर्त? तुम हमारे गुरु बन जाओ, हमें भी अपने जैसा डांस सिखाओ। क्या तुम हमें अपना शिष्य बनाओगे गुरुजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन रोज रोज चॉकलेट खिलाने वाली बात याद रखना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। सिखा सकते? मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा।
चॉकलेट तो तुमसे ही मिलनी है, तो क्यों ना थोड़ा जादू तुम्हारे ऊपर ही कर दूं? तुम सीख गए हो, फिर से करो। डांस करने से रोकना होगा। मेरी शैतानी खोपड़ी में एक शैतानी आइडिया आ रहा है। All the best, वीर। May the best man win. ये आज बंटी इतना शरीफ कैसे हो गया? मेरा डोंकी सेंस कहता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। तुम अपने डोंकी सेंस को अपने पास ही रखो, मैं कुछ खा के आता हूँ। डांस के समय भूख लग गई तो खा नहीं पाऊंगा। जल्दी आना, हमें तैयार होना है। डांस गुरु, हमारी टीम में एक आदमी कम है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ डांस कर लो। कोई करने को तैयार नहीं है। मैं ये सारी चॉकलेट उसे दे दूंगा जो मेरे साथ डांस करेगा। मैं तुम्हारे साथ डांस कर देता, लेकिन 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 क्या डांस गुरु, आप तो मेरे गुरु हो। गुरु, आप मेरे साथ भी डांस करो और वीर के साथ भी डांस करो। आप उसके दोस्त हो, उसका भी हक बनता है आप पर। अच्छा, क्या मैं दोनों के साथ डांस कर सकता हूँ? हाँ हाँ, पहले मेरा डांस है, आप मेरे साथ डांस करो, फिर वीर के साथ डांस करना। लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दोनों के साथ डांस करूंगा। अगर मुझे मेरे दोस्त प्यारे हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स भी प्यारे हैं। लेकिन डांस गुरु, ये बात वीर को नहीं बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। ओके, सरप्राइज देंगे। अब बारी है एक ऐसे कलाकार की जो डांस का नाम सुनते ही खुद को रोक नहीं पाता। वो बॉर्न डांसर है, ग्रेट डांसर है। उसका नाम है बंटी। ये चिंटू बंटी के टीम में कैसे डांस कर रहा है? मैंने कहा था ना, मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ये गड़बड़ है। बंटी ने जरूर उसे खिला पिला के अपने साथ मिला लिया है। गुरुजी, आशीर्वाद दो कि मैं अच्छा डांस करूं, और अगर मैंने अच्छा डांस किया ना, तो मैं आपको फ्रिज भर के चॉकलेट दूंगा। चॉकलेट तुम्हारे पास है तो मेरा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ ही होगा। तुम अच्छा डांस करोगे और मेरा आशीर्वाद मुझ पे भी हो, ताकि मैं भी अच्छा डांस करूं। और अब बारी है हमारे स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट वीर और उसके ग्रुप की। वीर हर काम अच्छा करता है, लेकिन उसका डांसिंग टैलेंट मैंने आज तक नहीं देखा। चलिए हम सब मिलकर देखते हैं। सर, वो चिंटू मेरे साथ डांस कर चुका है। एक ही लड़का दो टीम में डांस नहीं कर सकता। This is against rules. Oh, you are right. वीर, तुम्हारी टीम में चिंटू डांस नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंटी की टीम में डांस कर चुका है। एक ही पार्टिसिपेंट दो टीम में हिस्सा नहीं ले सकता। चिंटू, तुमने उसके साथ डांस क्यों किया? क्यों? उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट खिला के डांस रिहर्सल भी करवाया और अपने साथ डांस भी करवा लिया। उसने मुझे नहीं बताया कि मैं उसके साथ डांस करूँगा तो वीर के साथ नहीं कर पाऊंगा। देखा चिंटू, तुमने चॉकलेट की लालच में अपने दोस्तों का साथ छोड़ दिया। I'm sorry, वीर, very, very sorry. कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब चुपचाप बैठ के डांस देखो और एंजॉय करो। थैंक यू वीर। हाय,
डियर स्टूडेंट्स, इस डांस कंपटीशन के विनर हैं, गैस कौन? इस डांस कंपटीशन के विनर हैं वीर और उसके दोस्त। मैं इस ट्रॉफी को लेने के लिए अपने दोस्तों को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ, वो भी इस ट्रॉफी के हकदार हैं। मेरे दोस्त प्लीज कम ऑन स्टेज। जिंटू, मैंने कहा मेरे दोस्तों को, तुम मेरे साथ डांस भले ही नहीं किए लेकिन तुमने रिहर्सल हमारे साथ ही किया है और तुम हमेशा मेरे दोस्त थे और रहोगे। टिम्बकटू, देखो और बताओ ये क्या चीज है? बॉस बॉस, ये तो एक छोटा सा टॉय है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ बॉस, मैं इन टॉयज से नहीं खेलता। उल्लुओं के सरताज, तुम हमेशा बेवकूफों जैसे बातें क्यों करते हो? मैं तुम्हें खेलने के लिए टॉयज क्यों दूंगा? ओह सॉरी बॉस, सॉरी, मुझे नहीं पता था आपने ये टॉय खुद के खेलने के लिए बनाया है। लेकिन ऐसे तो टॉय खेलने की उम्र आपकी भी नहीं है ना बॉस। I am mad, very very mad. कोई इस इंसान को मेरे सामने से हटाओ। सॉरी बॉस, इसे रोको बॉस। तुम्हारा यही इलाज है। रुक जा पिग्मी रोबोट, रुक जा। मियाओ बॉस, यू आर जीनियस, सुपर डुपर जीनियस। क्या रोबोट बनाया है? इस रोबोट का नाम है पिग्मी रोबोट। ये एक ऐसा रोबोट है जो कभी भी छोटा और बड़ा हो सकता है। देखो बिग्मी, बड़े बड़े हो जाओ। यू आर जीनियस बॉस, सुपर डुपर जीनियस। शी इज राइट बॉस, शी इज राइट। ये रोबोट वीर के पास तक पहुंच जाएगा और वीर को पता भी नहीं चलेगा और फिर वीर पे अचानक हमला और वीर खत्म। बॉस देखें, ये सिर्फ आप ही की बात मानता है या मेरी भी? पिग्मी रोबोट, बड़े हो जाओ। छोटे हो जाओ, छोटे हो जाओ। टिम्बकटू, मैं तुम्हें वीर, जिंटू अपने घर से कब वापस आएगा? वो बहुत दिन बाद घर गया है, कुछ दिन उसे भी आराम से रहने दो। वैसे आज जिंटू की याद क्यों आ रही है? आसमान में उन चिड़ियों की तरह उड़ने का मन कर रहा है। हमारे पास उड़ने वाले पंख है ना, चलो एक राउंड लगा के आते हैं। ओके, मैं अभी लाता हूँ। ये देखो, ये एकदम गुड्डे जैसा। मेरा डोंकी सेंस कह रहा है इस टॉय को फेंक दो, कुछ तो खतरा है। उड़ते हुए गाजर खाने का अलग ही मजा है। वी, देखो ये कितना प्यारा टॉय है, अपनी छत पे पड़ा था। लगता है कोई चिड़िया कहीं से उठा के लाई होगी और यहाँ गिरा दिया होगा। कोई बटन दब गया होगा। मेरा डोंकी सेंस खतरे की घंटी बजा रहा है, उसे फेंक दो जल्दी। विंग सूट ऑन। Thank you.
क्या हुआ? पता नहीं, वो हिल-डुल नहीं रहा है। जल्दी इसे दादाजी के पास ले जाना होगा। लगता है आज बॉस का सपना पूरा हो गया। दादाजी, वीर ठीक तो हो जाएगा ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है। I'm sorry दादाजी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उड़ने को बोलता, ना ये सब होता। I'm very sorry दादाजी। बच्चों, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये सब मैड मैक्स की वजह से हुआ है। वीर ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये लो, सब कनेक्शन करेक्टली ज्वाइंट हो चुके हैं। और अब सब लोग तीन गिनो। एक, दो और तीन। ओ वीर, तुम ठीक तो हो ना? कितना डर गए थे। मैं कौन हूँ? तुम वीर हो और मैं इमली। मैं चुलबुल हूँ। हमें पहचाना? नहीं पहचाना। मैं कौन हूँ? दादाजी, वीर हमें पहचान नहीं रहा। वो खुद को भी नहीं पहचान रहा है। अब एक मिनट, मैं रीचेक करता हूँ। वीर की मेमोरी चिप में खराबी आ गई है। इसे रिपेयर करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे इसे कोई रोको! आप जैसा सुपर डुपर जीनियस इसे नहीं रोक पा रहा है, तो हम कैसे रोक सकते हैं बॉस? She is right, boss. She is right. वीर की मेमोरी चिप में खराबी आ गई है, इसीलिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम लोग उसे पुरानी बातें याद दिलाओ। कोई ना कोई याद पूरी मेमोरी को वापस ला सकती है। It's like a jigsaw puzzle. एक पीस भी मिसिंग होने से पजल सॉल्व नहीं होता। जैसे ही वो पीस मिल जाता है, पजल सॉल्व हो जाती है। ठीक है दादाजी, हम वीर को पुरानी बातें याद दिलाते हैं। वेरी गुड इमली, मैं जरा लैब में जाके कुछ और चेक करता हूँ। वीर, याद करने की कोशिश करो, हम तुम्हें पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। याद आया? मैं कौन हूँ? चलो इसे उड़ने वाले पंख लगा के हवा में उड़ाते हैं, शायद याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, ये ठीक है। ये! वीर! मजा आ रहा है ना? वीर कौन है? मैं कौन हूँ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तुम लोग कौन हो? मेरा डोंकी सेंस कह रहा है कि कोई तो खतरा है। कोई खतरा जरूर है। ऑन करो जल्दी। वीर, विंग सूट ऑन करो। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। वेलकम बैक वीर, विंग सूट ऑन। I am also happy. वीर,
इसे मेरे लिए छोड़ दो, मैं इसे एक पल में ठीक कर दूंगा। ये छोटू भी बहुत तेज है वीर, तुम ही इसे संभालो। मम्मी। रोबोट्स की भी मम्मी होती है। वीर, I'm so happy, तुमको सब याद आ गया। चलो दादाजी को बताते हैं। मैंने सब देख लिया, ये तुम लोगों के प्यार और दोस्ती का असर है कि वीर ठीक हो गया। मैं कौन हूँ? तुम्हें हजार बार बताया है कि तुम कौन हो, और कितनी बार बताऊं वीर, मैं तुम्हें